3 लाख ठगने के बाद युवक की पत्नी को दी गालियां। बेइज्जत युवक ने वीडियो बनाकर की आत्महत्या। दोस्त ने बहाने से लिया था आईडी पर लोन। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र में 14 नवंबर की रात युवक द्वारा बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या के बाद दोषियों के नाम लेने और मारने से पहले के आखिरी बयान का वीडियो सामने आया है। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी वेस्ट ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। जानकारी के मुताबिक थाना मलपुरा के अजीजपुर रोड पर विकी सोनी 28 वर्ष ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पीड़ित की पत्नी कविता ने पति के दोस्त भोला और उसकी माँ व साथियों पर आरोप लगाए थे। परिजनों ने मंगलवार को जाम लगाने का भी प्रयास किया था, पर पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। मृतक विकी की पत्नी ने बताया कि पति शाम को भोला के घर ठगी के 3 लाख रुपए मांगने गए थे, तो उसकी माँ उनसे अभद्रता कर उनको भगा दिया था। रात 7 बजे पति के कहने पर वो तकादा करने भोला के घर गई थी। वहां कार्तिक, गोपाल, मुन्ना, भोला और उसकी मां चंपा ने उससे अभद्रता की थी। इसी दौरान पति का फोन आया तो मुझे गाली देते हुए सुन लिया था। इसके बाद जब वो घर आई तो दरवाजा बंद था। लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर पति का शव फंदे पर लटका मिला था। बुधवार को परिजनों ने जब अपने मोबाइल चेक किए तो उन्हें विकी का सुसाइड से पहले का वीडियो मिला। वीडियो में विकी ने बताया कि इस वीडियो के बाद वो किसी से नहीं मिलेगा, आत्महत्या करने जा रहा है। भोला, मुन्ना, कार्तिक, गोपाल और चंपा ने उसे बुरी तरह फंसा दिया है। उसकी आईडी पर लोन ले लिया और 1 लाख नकद रुपया ले लिया। मकान बिकने वाला है, जब पैसे मांगने जाओ तो भोला की मां चंपा उसे भगा देती है। नीचे पैसा तो मिल जाएगा, पत्नी को पैसा मिलेगा, अब मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। पैसा तो मिल जाएगा, पत्नी को पैसा मिलेगा, पर अब मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। पूरे मामले पर एसपी ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि युवक की आत्महत्या के बाद उसका वीडियो संज्ञान में आया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। चंपा, मुन्ना, अबोला भिन्ना में आया था, फंसा दूँ बहुत ज़्यादा। मेरी आईडी पर लोन लगे भिन्ना और इतना फंसा दूँ, मेरा मकान नहीं बिक रहा होगा, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। जा टाइम पे मैं अपने आत्महत्या कर लूँ। मैं चंपा, अबोला, मुन्ना, गोपाल और कार्तिक, इन भैया की वजह से मैं आत्महत्या कर लूँ। नीचे भाई पूरे पैसा मिल जाएंगे, कोई दिक्कत ना। नीचे भाई मेरी बात देखे आ गई, मैं खुद कर्ज किया था, नीचे भाई पूरे पैसा मिल जाएंगे, वो जब वाली बात की दिक्कत ना है। पर हाँ, मैं पूरी तरीके से बहाने फंसाया हूँ भोला ने। बहाने मेरी आईडी था, लोन दबा हुआ ने 1 लाख रुपया अलग लगे है बहाने, और किस्तों ना भरी, सारे काम ने मैं झील लूँ। अब भागर भागर डुल लो कि बुढ़िया भगा देता है, बादू करो आने होते मेरी वीडियो में रिकॉर्डिंग है। अब मैं कहूँ बात नहीं कर पाऊँगा, मैं अपनी आत्महत्या चंपा, भोला, कार्तिक, गोपाल और बन्ना की वजह से कर रहा हूँ मैं। बस थोड़ा सामने आया जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ है, कुछ लोगों के नाम लगे, क्या है पूरा मामला? थाना क्षेत्र मलपुरा में परसों की घटना है। अजीजपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, उसके संबंध में एक वीडियो भी प्रकाश में आया है, जो उनके परिजन हैं, परिजनों से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, आगे की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सेजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।